हाँ जी, तो अपना पिछवाड़ा कुटवा के निकल गया हूँ भाई। झाड़ू भी लगा रहा है इसी से, देखो इसको झालमुरी क्या बोलेंगे इसको, इधर का पता नहीं मुझे, हमारे तो झालमुरी बोलते हैं। और एक और उस चोटी पर देखो, महादेव, हमारे महादेव बैठे हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये 5.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है बिल्कुल ही। पानी बहुत गहरा है यहाँ पर, और ये बहुत पुराना लेक है यहाँ पर नेपाल में। कुछ नहीं हो पा रहा, जो सोच के आया था पोखरा हो नहीं पा रहा। देखो यू कजरा मोहब्बत, अरे नेपाली गाना गा रहा हूँ। काठमांडू के बस स्टैंड में आपका स्वागत है। ये न्यू बस स्टैंड है काठमांडू का, यहाँ से बस चलती हर एक जगह के लिए। मैं मुझे पोखरा जाना, पोखरा के लिए बस मिल जाएगी। बस स्टैंड बहुत ही बड़ा है और देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। पीछे पहाड़, पीछे बस स्टैंड, इसके पीछे बस स्टैंड, आगे पहाड़, और अच्छी हवा चल रही है। वेदर बहुत अभी सही है। बस ढूंढते हैं पोखरा के लिए और टिकट लेते हैं, फिर घूमते हैं थोड़ा इधर। तो पोखरा जाने की बस की टिकट भी ले लिया हूँ। ये टिकट रहा, 800 रुपये नेपाली करेंसी का मिला है। अब मैं जो भी करेंसी का नाम बोलूँगा ना, आप समझ लेना नेपाली करेंसी बोल रहा हूँ, इंडियन में नहीं बोल रहा। इंडियन में जब मैं बोलूँगा तो स्पेसिफिकली बोलूँगा वैसे नेपाली करेंसी। तो 800 रुपये का टिकट मिला है, विंडो सीट है, और 5:30 बजे बस खुली है। पीछे वाली हमारी बस है, और फिर बस में बैठता भी अभी 3 ही बजे है, अभी 4-5.5 घंटा भी है। अभी थोड़ा सा चिल करते हैं इधर और फिर बस में बैठ के निकलेंगे। मौसम एकदम से बदल गया यार, बिल्कुल बारिश का जैसा होने वाला है। बादल आ गए हैं, देखो पेड़ वगैरह। अभी 4 बजा भी नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 4 बजे। मस्त खाना खाया इधर, और इधर यहाँ चिल कर रहा हूँ बैठ के पेड़ के नीचे, और ये मस्त जो ठंडी हवा चल रही है ना, इसके मज़े ले रहा हूँ। और कुछ नहीं, फ़ोन रखता हूँ अंदर, मज़े लेता हूँ बाहर। तो टाइम आ गया है निकलने का यहाँ से, अभी 4:45 बज गया है, 5:30 की बस है। जाते जल्दी जल्दी जाते हैं, बस ढूंढने में भी टाइम लगता है यार, यहाँ पर बहुत बड़ा बस स्टैंड है। गुम हो गया तो दिक्कत है, ठंड भी लग रही है यार, एकदम बारिश हो गई ना तो ठंडी पड़ गई है। पोखरा में जैकेट वैकेट खरीदूंगा ऊपर जाने के लिए, रेन कोट वगैरह सब कुछ खरीदूंगा वहाँ पर, जो भी ट्रैकिंग गियर वगैरह है सब कुछ ले लूँगा, और फिर ट्रैकिंग करने में बहुत फन आएगा। देखो पहाड़, मेरी बस शायद उधर खड़ी होगी, चलते उधर देखते हैं। अरे नेपाली गाना गा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग के सुबह के 4 ही बज रहे हैं, और बस वाले ने मेरे को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया पोखरा सिटी में, और हॉस्टल यहाँ से पास में ही है। वॉक करते हुए जा रहा हूँ मैं, यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और मज़ा भी आ रहा चलने में। वेदर बहुत परफेक्ट है यहाँ का। जो लेक है ना, लेक के साइड मैंने बुक किया है, अभी चल के हॉस्टल आपको दिखाता हूँ। वॉक करना पड़ेगा मेरे को। सुबह सड़कों पर चल रहा हूँ, बहुत कम गाड़ियाँ ही दिख रही है, जितनी दिख रही है वो सारे लोकल्स ही हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब चलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि वेदर जो है ना भाई साहब मेरे पसंद का है। यही हॉस्टल है, देख लो, ये मेरा बेड, और 4 रूम का इधर है, और 6 बेड का इधर है, 6। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ, और अभी पोखरा में ही हूँ मैं, और जा रहा हूँ जो ट्रैकिंग परमिट्स वगैरह है ना, ऑफिस ट्रैकिंग परमिट्स वगैरह लेने के लिए। चक्कर एक ये आ गया है कि सोलो ट्रैकर के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर, आपको गाइड लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने कर दिया है कि सोलो ट्रैकर को भी गाइड लेना मैंडेटरी है, सोलो या किसी को भी अपार्ट फ्रॉम या नेपाली। तो बहुत महंगा है यार जो राइड हो रहा है, $20 पर डे का है वो लोग चार्ज करता है। $20 मतलब समझ लो 1600 रुपये पर डे, एक्सपेंसिव है ना। तो 10 दिन का ट्रैक है समझ लो 16,000 रुपये, तो जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, इतने में तो ट्रैक कर लूँगा पूरा मैं अकेले। तो अभी मैं चक्कर ये है कि जा रहा हूँ वहाँ पे ऑफिस पता करने के लिए, कोई ग्रुप होगा ना 5-7 बंदे का, उस ग्रुप में ऐड हो करके तो 5-7 में ये कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा, तो वो ट्राई कर रहा हूँ, शायद वो वाला सीन हो जाए तो मच बेटर है। अदरवाइज ये प्लान मेरा कैंसिल करना पड़ेगा, अन्नपूर्णा बेस्ट काम का, फिर पोखरा घूम के निकल जाऊँगा।
देखता हूँ, आई होप कोई ग्रुप मिल जाए जिसमें मेरे को वो ऐड कर ले। देखते हैं, चलते हैं ऑफिस। ये लो आ गया नेपाल टूरिज्म बोर्ड, यहाँ से ये रास्ता इधर जाता है और मैं इधर से आ रहा हूँ। जैसे दो रास्ते, किधर से एक किधर से, ये बोर्ड है और यहाँ पे बोर्ड भी लग रखा है और ये टूरिज्म बोर्ड ये है सामने। चलते हैं, परमिट वगैरह की बात करते हैं अंदर जाके। यार मस्त नहा धो के आया था वापस से घूमने के लिए। वो दिन में जो घूम रहा था वो तो मेरा कट ही गया, मैं बताऊँगा बाद में कैसे कट गया। यहाँ पर आया हूँ फेवर लेक पे और बारिश होनी शुरू हो गई। यार कितना बैड लक चल रहा है मेरा यार, ना मेरे को एंट्री मिल रही है ट्रैकिंग के लिए, परमिट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। सोलो ट्रैकर हूँ, गाइड के लिए पैसे लग रहे हैं, 1 अप्रैल से इन्होंने गाइड लगा दिया यार कंपलसरी। और ये मैं व्यू दिखाता हूँ यार, मैं अपना दुखरा क्या सुनाऊँ, बहुत बहुत मुश्किल में हूँ यार, कुछ नहीं हो पा रहा, जो सोच के आया था पोखरा हो नहीं पा रहा। देखो व्यू, देखो व्यू तो बहुत ही मस्त है। तो धीरे धीरे बारिश बढ़ ही रही है और मैं यहाँ से निकलूँगा, और इधर को भी है बहुत जगह घूमने के लिए। तो घूमने के लिए आया था यार नहा धो के, लेकिन क्या करें यार, यार किस्मत ही ख़राब चल रही है आजकल मेरी। यार जिस दिन से घर से निकला हूँ ना मेरे भाई नेपाल के लिए, मेरी किस्मत ही ख़राब चली। हर दिन कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या सीन हो गया मेरे साथ, हवन करके आना चाहिए था मेरे को यार। क्या बोला? अच्छा उनके लिए, ओके कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए बाद में कर देना। चलो अच्छी खबर यह कि बारिश बंद हो गई है और मैं ये बनवा लिया हूँ इसको झालमुरी, क्या बोलेंगे इसको इधर का पता नहीं, हमारे तो झालमुरी बोलते हैं। और व्यू का मज़ा लेते हुए खाते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं। वापिस से बारिश स्टार्ट हो गई यार, बहुत ख़तरनाक वाली, ख़तरनाक तो नहीं कह सकते, हाँ इतना है कि भीग सकता हूँ मैं। और भाई बस चल रहे हैं, मजाक कुछ नहीं कर रहे हैं, बस चल रहे हैं लिटरली, क्योंकि बारिश हो गई ना तो भीग जाऊँगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, भीगना नहीं चाह रहा मैं, मेरी तबीयत थोड़ी सी वैसे भी लो लग रही है। और व्यू तो बहुत ही ख़तरनाक है, छोटा कुत्ता भरे कुत्ते को डरा दिया। इधर कैफे वगैरह भी बहुत सही है और लेक तो है ही, बाकी जो पैदल चलने वाला बना रखा है ना साइड वॉक या पेडेस्ट्रियन जो भी कह सकते हो, ये भी बहुत मस्त है। बैठ के चलिए यहाँ इंजॉय कर सकते हो, बैठ के व्यू कर सकते हो, कैफे में बैठ के आप वहाँ से व्यू ले सकते हो। ये ब्रिज है छोटा चुटकू सा, कुछ तो सामने है वहाँ झूला जैसा, राम झूला बोलते हैं इसे। और बारिश, हवा भी तेज हो गई बारिश के साथ साथ, कितना दिन खराब है भाई यार, देखो कैफे कितना सुंदर है। बाकी लोग आज कम है, बाकी दिन के कंपैरिजन जैसा मैंने यूट्यूब पे देखा है सुना है कि लोग बहुत होते हैं इधर, आज बहुत ही कम है फिर भी है। और कैफे भी यार बारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, टेस्टी वेस्टी सब खा के बहुत देर से बैठा हूँ, 1 घंटा हो गया और बारिश है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, फिर भी निकलते हैं यार। निकल के कहाँ जाएंगे, इधर ही बैठते हैं यार, करना क्या है, बैठ के इधर ही व्यू लेते हैं। सोचा था बाहर जाके व्यू लूँगा उधर से, वो जो झूला आपको दिख रहा है, सोचा झूले पर चढ़ूँगा, कुछ नहीं हो पाया, बस इस कैफे में बैठा हूँ तभी से। बियर पी लूँ क्या? नहीं यार, बैठ के बस व्यू का मज़ा लेते हैं और क्या। देखते हैं कल की क्या प्लान, कल यहाँ पे घूमूंगा, बहुत ही सारी जगह है घूमने के लिए यहाँ पर, तो मस्त फन करते हैं कल। आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा फन हुआ होगा यहाँ पर, और बारिश ख़त्म होगी शूट करूँगा, अदरवाइज कुछ भी शूट नहीं करूँगा। तो ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, बाय। इससे पहले के व्लॉग में एंड करूँ, इस लेक के थोड़े से फैक्ट्स में डिस्कस कर लूँ। ये लेक नेपाल का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, द फर्स्ट वन इज़ रेरा लेक। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना,
ये 5.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है बिल्कुल ही, पानी बहुत गहरा है यहाँ पर, और ये बहुत पुराना लेक है यहाँ पर नेपाल में। और इसके सामने आप वो देखो, इसके ऊपर देखोगे तो आपको शांति स्तूपा दिखेगा, वो वाला स्तूपा, और वो एक और उस चोटी पर देखो महादेव, हमारे महादेव बैठे हैं, वो दिख रहा है आपको वहाँ पर, हमारे शिव जी बैठे हुए वहाँ पर लेक पर ना। यहाँ पे वोटिंग भी होती है, वहाँ से वोटिंग स्टार्ट होती है, वो जो पॉइंट दिख रहा है ना वो वहाँ से वोटिंग स्टार्ट होती है। अभी बोट्स वगैरह कम ही दिख रहे हैं, जो मैं फ़ोटोज़ में देखो ना कलरफुल बोट्स वगैरह, तो मैं वो सोचा था कलरफुल बोट्स वगैरह हैं, कुछ कलरफुल हैं बोट्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने फ़ोटो में दिखा था। तो वो फ़ोटो एक खींचना है मेरे को ऐसा इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, और मे बी अर्ली मॉर्निंग होता होगा ये सारी चीज़ें। अभी तो मैं लेट इवनिंग आया, लेट नहीं हुआ, इवनिंग हुआ है, मैं छः अभी देखता हूँ, देखो 5:30 बजा है। फिर भी फन है, मज़ा है। अब ये झूला स्टार्ट हो गया, पूछता हूँ झूले का क्या रेट है क्या है, बाकी लेक का मज़ा लेते हैं, शाम इधर बिताते हैं और अपने हॉस्टल चलेंगे शाम में, नाइट में वहाँ खाना खाते हैं। फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ यार, स्कीइंग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, अरे हालत ख़राब हो गई मेरी, कितनी बार गिरा हूँ इससे। अभी बोला चलने को, ज़्यादा हीरो नहीं बनने का। बस वहाँ तक पहुँचना है यार, पकड़ के चलना है थोड़ा, वो नहीं हो पा रहा मेरे से। बच्चे तो बहुत प्रो है, तो पकड़ लिया। नहीं तो वो गिर गया, वो अभी तक तो चल रहा है, सही चल रहा मेरा। चलने गिर जाएगा। तभी से बैठ के यही कहे जा रहा हूँ, ये देखो, और यहाँ के बच्चे प्रो हैं। हाँ भाई दिक्कत है मेरे पे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ यार, उठता हूँ फिर से उठता हूँ। शाबाश उठ गया, और ये धीरे से चलने का है। लाइक दिस मोबाइल रख लेता हूँ, गिर जाऊँगा। भाई झाड़ू भी लगा रहा है इसी से, देखो भाई सही मजे हैं इसके यार, भाई झाड़ू लगा रहा है। हाँ जी, तो अपना पिछवाड़ा कुटवा के निकल गया हूँ अभी। भाई यार 10 बार से कम नहीं गिरा होगा, और गिरते गिरते इतनी हालत ख़राब हो गई ना, इतनी हालत ख़राब हो गई भाई, अभी पिछवाड़ा दर्द कर रहा है अभी इस सूच में ना, आज ये इतना हल्का हल्का हो रहा है, हल्का बहुत हल्का फील हो रहा है। और जा रहा हूँ हॉस्टल, जा रहा हूँ, थोड़ा पिछवाड़ा देखूँगा, बहुत दर्द कर। क्या पोखरा की सड़कें भाई बहुत सुंदर है यार, बारिश हुई है, बारिश ख़त्म होने के बाद जो नज़ारे हैं ना एक नंबर, मैंने सोचा नहीं था कि इतने खूबसूरत निकलेगा पोखरा, ऊपर क्लियर स्काई है, नीचे हल्की हल्की गीली रोड, और व्यू अल्टीमेट।